हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक्निकल को। तो आज हम बनाएंगे ब्लूटूथ स्पीकर। ये चार्जिंग सॉकेट है, ये चार्जिंग एलईडी है और ये ऑन ऑफ का स्विच है। ऑन होने के बाद यहाँ पर लाइट जलेगा, देख सकते हो। और ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, वॉल्यूम इससे बोले कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसका ब्लूटूथ कनेक्शन कर लेते हैं। 3.0 BT है इसका ब्लूटूथ कनेक्शन। एलईडी का पॉजिटिव लेग में एक ऑन के का रेजिस्टेंस लगाया हूँ, देख सकते हो। देख सकते हो मैंने इस यूएसबी सॉकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव में एलईडी लाइट को कनेक्ट कर दिया है। रेजिस्टेंस वाला भाग पॉजिटिव है और डायोड का सिल्वर वाला पार्ट लगेगा स्विच पे और इसका ब्लैक वाला पार्ट लगेगा यूएसबी सॉकेट में, यूएसबी सॉकेट का पॉजिटिव पार्ट। तो देख सकते हो डायोड का सिल्वर वाला पार्ट स्विच में कनेक्ट कर दिया और ब्लैक वाला पार्ट यूएसबी का पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। फाइव वोल्ट एम्पलीफायर और ब्लूटूथ में कनेक्शन किया है। यह है 5 वोल्ट एम्पलीफायर बोर्ड, देख सकते हो। और ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 3 वायर है ऑडियो के लिए, लेफ्ट एंड राइट और ग्राउंड। ये भी है लेफ्ट एंड राइट ग्राउंड, ये वाला है ग्राउंड। पोटेंशियल मीटर में ये 6 वायर कनेक्शन होगा और इसका सब डायग्राम मैंने दे दिया है, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 इंच का 3 वाट स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ। फिर देख सकते हो 5 वोल्ट का एम्पलीफायर बोर्ड और ब्लूटूथ किट यूज़ किया है। जो जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो सब मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
जाके चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 100K का पोटेंशियोमीटर यूज़ करूँगा। तो इस ब्लूटूथ किट के साथ मैं इस पोटेंशियोमीटर का पहले कनेक्शन करूँगा। तो पहले पोटेंशियोमीटर का दो लेग शॉर्ट कर लेते हैं। यह है इसका ग्राउंड वाला लेग। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लूटूथ किट से निकला हुआ लेफ्ट एंड राइट वाला वायर मैंने पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शन कर लिया है। इसका मिडिल वाले पार्ट में एम्पलीफायर बोर्ड का लेफ्ट एंड राइट वाला वायर कनेक्शन होगा। वीडियो में कनेक्शन समझ में नहीं आया तो डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में सारे कनेक्शन दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट का लैपटॉप बैटरी यूज़ करूँगा। बैटरी का पॉजिटिव स्विच में कनेक्ट किया और यूएसबी सॉकेट में बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर लिया। बैटरी का नेगेटिव के साथ नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगेंगे, एलईडी का माइनस यहाँ पे लगेगा और पॉजिटिव दोनों को भी एक साथ करके एलईडी का पॉजिटिव में लगा लेते हैं। तो मैंने सारे सोल्डरिंग कर लिया है। स्विच देने के साथ साथ मेरा एलईडी भी ग्लो होगा और मेरा म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो जाएगा।